भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सोमवार को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की जमकर तारीफ की। आगामी चुनावों को लेकर तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री के विकास यात्रा के प्रथम चरण में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अंबिकापुर में भाजपा की योजनाओं का जमकर बखान किया। शाह ने इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार लगातार ही विकास के लिए काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। छत्तीसगढ़ सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि भाजपा की योजनाओं और प्रदेश के मुख्यमंत्री रमन सिंह की वजह से ही यह संभव हुआ है। तो विकास की यात्रा चली, छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य के तमगे को अपने सीने से फेंक कर आज देश के विकसित राज्यों की सूची में गौरव के साथ अपना स्थान दर्ज करा। जीरो पावर कट स्टेट, पावर सरप्लस स्टेट, लगभग हर व्यक्ति को घर देने की दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। नक्सलियों पर नकेल कसने में सफल रहे हैं। रोगों का एक बड़ा जाल बुन दिया। कृषि उत्पादन में अनेक गुना वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन के अनुकूल मिनिमम सपोर्ट प्राइस से परचेज भी बोनस के साथ करने में सफल रहे। हर गरीब के घर में चावल पहुंचाने में सफल रहे। हर गरीब को स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में सफल रहे। दूर संचार की दृष्टि से भी दूरस्थ इलाकों में संचार को पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस दौरान एक बड़ी घोषणा भी की। सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री ने शिक्षा कर्मियों के लंबे समय की मांग को पूरी करते हुए संविलियन का ऐलान किया। हमारे प्रदेश के स्कूली बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में शिक्षा कर्मियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, किंतु नियमित शिक्षकों व शिक्षा कर्मियों की सेवा शर्तों में सुविधाओं में काफी अंतर था। इस संदर्भ में विस्तृत अध्ययन कर अनुशंसाएं देने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। समिति ने अध्ययन और विचार विमर्श के उपरांत 8 जून को अपनी रिपोर्ट मुझे सौंपी है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में घोषणा करता हूं, प्रदेश के शिक्षा कर्मियों का सविलियन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के शिक्षा कर्मियों के लिए यह सौगात मुख्यमंत्री के लिए कारगर साबित हो सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि प्रदेश में शाह की उपस्थिति आगामी चुनाव में भाजपा की सियासत पर क्या असर डालती है। स्पेशल रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।